गुड मॉर्निंग क्लास। भरत कुमार कल तुम एब्सेंट थे, कहाँ हैं? हैं पहले दिन ही लेक्चर बंक मार दिया। गुड मॉर्निंग नाजिम, अंजलि मीरानी गुड मॉर्निंग, पूर्वा गुड मॉर्निंग, मैत्री गुड मॉर्निंग, मौलिक राज शर्मा गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, अरे सॉरी मत बता, रीजन बताओ क्यों एब्सेंट थे। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग कुशा, कल तुम भी एब्सेंट थी, कुशा कंडेला। स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी लग रही है। अब ठीक है। दिव्य विठलानी, केतन चावड़ा तुम भी कल एब्सेंट थे, हैं कहाँ घोटाला हो गए थे, कहाँ गुम हो गए थे भाई? पूर्वा जरा लिंक ग्रुप में शेयर कर देना ना बेटा। चलिए, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर, सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं किसके लिए, कैश के लिए या फंड रेज करने के लिए। सो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द लमसम अमाउंट व्हेन वी इशू द शेयर्स टू, सॉरी, वी इशू द शेयर्स इन अ लमसम। ठीक है, एक साथ ही हमने सारे शेयर्स इशू कर दिए एंड वी गेट द अमाउंट इन लमसम। सो दैट इज द वन ऑफ द मैथड। That issue can be issued at par and at premium. ठीक है, so now we are going to discuss when the shares are issued at installments. So yesterday I already discussed with you. ठीक है, मैंने last time discuss भी किया था, कल discuss भी किया था हमने. When we issue the shares in installment, there are maximum 5 installment on that you can issue the shares. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था application. ठीक है, फर्स्ट जो इश्यू होता है वो एप्लीकेशन मनी के लिए होता है। ठीक है, उस पर क्या एंट्री आती है, एप्लीकेशन मनी पे जब हम इश्यू करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मीन्स वी रिसीव द एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, अब हम लोगों को क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है शेयर कैपिटल में। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो हम लोगों का अमाउंट होता है, देन ये यहां पे हमें क्या मिला है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। आप नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। ठीक है, आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पैसा हमें कंपनी को मिला, कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस इशू किए, लोगों ने शेयर्स एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया, सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, देन इसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको बताया था कि हम 5 इंस्टॉलमेंट में मंगा सके हैं, मंगाते हैं, एक एप्लीकेशन, देन उसके बाद अलॉटमेंट, देन थर्ड फर्स्ट कॉल। ठीक
ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हम इसे कॉल मनी भी बोलते हैं, ठीक है, जो अदर देन इसके अलावा आता है। सो कॉल मनी के अंदर आप पहला कॉल जो होता है उसे फर्स्ट कॉल बोला जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। इंस्टॉलमेंट के अंदर मिनिमम ये दो इंस्टॉलमेंट रहेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मिनिमम दो इंस्टॉलमेंट हमेशा रहेंगे। वो आपको बुलाना ही है, वो आपको कॉल करना ही है। अगर इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन, तो मिनिमम ये रहेगा। अगर बोला हुआ है कि एक साथ मंगा लेते, दैट इज अ लम सम, ये मैक्सिमम जो जाएगा वो थ्री एंड फाइनल कॉल तक जाएगा। थ्री एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या है? थर्ड एंड फाइनल कॉल मतलब दैट इज द लास्ट कॉल। सो वट एवर द बैलेंस अमाउंट इज देयर और वट एवर द बैलेंस इज लेफ्ट, दैट अमाउंट वी विल रिसीव इन दिस कॉल। ठीक है, जो भी बैलेंस बचा हो, अगर मान लो कि यहाँ तक सिर्फ 4 रुपए ही हमें मिले हों या 50 पैसे ही मिले हों, 10-10 रुपया करके बुलाया हो, लेकिन बाकी जितना पैसा बचेगा वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। सो दैट इज थर्ड। सेकेंड कॉल पे भी हो सकता है, अप टू द सेकेंड कॉल तक कंपनी कॉल कर सकती है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। सो मिनिमम दो, मैक्सिमम 4, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे जब एप्लीकेशन रिसीव होगा उसकी ये दो जनरल एंट्री आएगी, ठीक है। देन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या आती है? अलॉटमेंट में अब देखो यहाँ पे ये दो एंट्री खाली अलग है, उसके बाद की सारी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। देखो यहाँ पे हमें पहले क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे रिसीव हुआ है। देन हमने उसको शेयर कैपिटल में पास ऑन किया है या क्रेडिट किया हुआ है। जब हम अलॉटमेंट में जाएंगे तो यहाँ हमें पहले अमाउंट नहीं रिसीव होगा, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री पास करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। पहले आप ड्यू की एंट्री पास करोगे, खाली इतना ही डिफरेंस है बाकी के कॉल्स में। पहले इसमें देखो एप्लीकेशन मनी में हमें एप्लीकेशन रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट पर डेबिट करते हैं, बाकी सब में पहले आप ड्यू की एंट्री पास करेंगे, देन आपको अमाउंट रिसीव होगा। आप शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि भैया अब टाइम आ गया है, आपका अलॉटमेंट मनी हमको दे दो, हमको पैसा की जरूरत है, ठीक है। सो सेकेंड कॉल जो आएगा, जो बाकी के कॉल्स आएंगे उसमें पहले आप ड्यू की एंट्री पास करेंगे, देन आप अमाउंट रिसीव करेंगे। सो यहाँ पे पहली एंट्री ड्यू की आ गई अलॉटमेंट की, देन आपको अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सो अगर आप एंट्रीज देखो तो सिंपल ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया कैपिटल में। यहां हमने पहले ड्यू की एंट्री पास की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब हमें अमाउंट रिसीव हो गया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है कॉल मनी, ठीक है, ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। देन उसके बाद कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला 3 कॉल हो सकते हैं, एक ही कॉल की बात करते हैं, बाकी 2 सिमिलर ही हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। सो फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल आएगा तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? पहले हम किसकी एंट्री पास करेंगे? ड्यू की एंट्री पास करेंगे। सो हमारी ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल के लिए है। अगर फर्स्ट एंड फाइनल है तो यहां पे कुछ नहीं करना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल का मतलब यहां पे क्या है मॉइन सर? फाइनल कॉल का मतलब क्या है कि आपको ये आपका लास्ट कॉल है, यानी 10 रुपए के अगर शेयर हैं और जो भी अमाउंट बचा हुआ है, मान लो कि हमने यहां पे 4 रुपए मंगा लिए, यहां पे 4 रुपए मंगा लिए, तो रिमेनिंग कितना रहा? 2 रुपए, तो वो 2 रुपए यहां पे मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन किया है कि दैट 2 रुपीज इज द लास्ट फॉर वी आर कॉलिंग ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन वी रिसीव द मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
ठीक है, सेम फॉर द सेकेंड एंड थर्ड कॉल, ठीक है, उसमें यहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल के बदले सेकेंड कॉल आ जाएगा, यहां पे थर्ड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। सो आर यू क्लियर विद दिस ऑल जनरल एंट्रीज, तीन जनरल एंट्रीज, छह जनरल एंट्रीज पास की है। देखो यहां पे सिर्फ हमें पहला जो है बैंक की एंट्री पास करते हैं, देन उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, बाकी सब में पहले ड्यू की एंट्री, देन वी रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, ड्यू की एंट्री, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो में रिप्लाई करो। धामी, कीर्तन, हर्षिता, अंश, जील, नाजिम, मैत्री, अंजलि, भरत कुमार, उर्वी, इमानी, पूर्वा, कुशा, मौलिक राज शर्मा, अभिषेक, अवतांश, देवांशी। तो आज एब्सेंट कौन कौन है, कीर्तन नहीं, केतन, केतन चावड़ा है। एब्सेंट कौन कौन है, जेबा, जील, उर्वेश, हेत, साहिल प्रेजेंट, ओके, रचना, हीनल, इशिता, और कौन बचा, धैर्य मोदी, तो धैर्य मोदी और उर्वेश तो आते ही नहीं है, कृष्णा ताकोद्रा, मेधावी, मेधावी भी एब्सेंट है। ये हालत है, चल अगर क्लियर है बहुत अच्छी बात है, इन एंट्री को याद कर लेना, पूरे क्वेश्चंस में यही जनरल एंट्रीज आएंगी, बस इसमें अब जो है एडजस्टमेंट्स ही आएंगे, वो आपको मैं हर एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन के साथ या अलग अलग टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा। बट ये जो छह एंट्रीज हैं, ये छह एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में कंपलसरी आएंगी आएंगी, तो यही छह एंट्रीज के ऊपर आपकी पूरी शेयर कैपिटल है। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट जुड़ते जाएंगे, ठीक है। सो चलो एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल सो इसको मैं रफ कर देता हूं। मुस्कान, वेलकम, चलो। सो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। डोरेमोन लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, ठीक है। 30,000 में से कंपनी कितना इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है। मैं दो पॉइंट एक साथ ले लिया, एक बार पे भी इशू कर रही है, प्रीमियम पे भी इशू कर रही है, ठीक है। अरे वाह, रचना सोलंकी आ गई, कहाँ बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम, ऑनलाइन क्लास के अपने फायदे, स्टूडेंट अपने टाइम से आता है, ठीक है, और टीचर कुछ नहीं बोल सकता, है ना। अरे हिनल भी आ गई, हिनल 9 बजे था क्या क्लास का टाइमिंग, कितना 9 तो बज ही होंगे, 8:55। अरे सॉरी, क्या बेटा इसमें क्या है, चलता है, कहाँ टाइम हो, अभी तो तुम्हारे मजे है, अभी तो तुम लोगों के एकदम ऑनलाइन क्लास अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट भी हमें बोल देती है कि प्रेशराइज थोड़ी करना है, कहाँ प्रेशराइज, ठीक है। देखो इस बार तो पैनडेमिक सिचुएशन है, क्या पता सीबीएसई ऐसे ही पास कर दे तुम लोगों को। यशवंत क्या अवतांश, हाँ ये स्कूल का नेट है सर, वाह बढ़िया चल रहा है सर, एकदम आज बीएसएनएल एकदम बढ़िया चल रहा है, मतलब मजेदार। देखो आज एक बार भी पता बफरिंग नहीं हुई है, चलो
चलो बहुत बढ़िया, आ गए हो तो मतलब हमारी खुशनसीबी है, और क्या आप लोग अटेंड कर ले तो हमारा दिन पूरा हो जाता है भाई। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि डोरेमोन लिमिटेड ने क्वेश्चन शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। सो देन ईच एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे देखो ₹10 के शेयर्स हैं, तो ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 आपके अलॉटमेंट पे, ₹2 आपके फर्स्ट कॉल पे, ₹3 आपके फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या है, दैट इज द लास्ट कॉल। सो लास्ट कॉल पे हम उसको रखेंगे, ठीक है। सो अब आपको जो जनरल एंट्री पास करनी है अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको पास करनी है। तो मैंने आपको बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट रहते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कॉल मनी में आपके पास 2 ही कॉल मनी है, सो 2 ही आपको लेकिनी है। तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री जो पास करोगे, किसकी पास करोगे, वी गोइंग टू पास फॉर द एप्लीकेशन मनी यू रिसीव। सो फर्स्ट जनरल एंट्री फॉर दैट, बैंक अकाउंट डेबिट अब यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है कि हैबिट होती है कि हम आलसी हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो सबसे बड़ा आलसी होता, तुम्हें पता ही है, ऑनलाइन भी है। नहीं नहीं सही में मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं हमेशा शॉर्टकट मेथड ढूंढता रहता हूँ ना। सो जैसे हम लोग, अब देखो बाद में कैलकुलेशन करना है या वो सब चीज़ें करना है, मैं क्या करता हूँ, ये जो 10,000 इशू किया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 10,000 इंटू 2, सो आपका अमाउंट कितना आ गया, 20,000। ये ऐसे लिख लो, इसके मार्क्स से ही कटेंगे, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, क्या आप 10,000 एप्लीकेशन ये लिखने की हैबिट डालोगे ना, तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। हम ये नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमको ओरली सब आता है, ठीक है, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं ना सॉल्व, तब पता ही नहीं चलता कि एप्लीकेशन मनी कौन सा है और अलॉटमेंट मनी कौन सा है। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज व्हेनेवर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एग्जाम में भले मत लिखना, पर जब तक क्लास वर्क में कर रहे हो, कौन सी अमाउंट कहाँ से आई है ना, वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। तुम्हारे जो होमवर्क्स आएंगे ना, जो फोटो खींच के भेजते हो, उसमें ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, एप्लीकेशन मनी इज 20,000, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, नरेशन तुम लोग लिख लेना, नरेशन लिखना कंपलसरी है। लिखने के मार्क्स भले मिले ना मिले, पर नहीं लिखोगे तो एक मार्क्स सीबीएसई डेफिनेटली बोलता है काटने के लिए, तो क्यों एक मार्क्स गवाना है, जब आपके 100 मार्क्स आ रहे हो तो, नहीं आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट, हम इसी अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल 20,000, ठीक है। देन सेकेंड एंट्री, अलॉटमेंट भी, सो अलॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, हमने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अब अलॉटमेंट मनी हमें ड्यू, पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है। हम नोटिस भेजेंगे सारे शेयर होल्डर्स को कि भैया अलॉटमेंट मनी अब दे दो हमका, सो प्लीज पे योर अलॉटमेंट मनी टू अस। सो फर्स्ट एंट्री फॉर द ड्यू ऑफ द अमाउंट, सो देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी इक्विटी शेयर कैपिटल था, सो अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कितना है, अलॉटमेंट मनी ₹3 है, सो 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, क्लियर, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने ड्यू कर दी, अब शेयर होल्डर पे करेगा, सो हमें अमाउंट रिसीव होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट,
सेम अमाउंट वी आर रिसीविंग, सो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे. 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000. ठीक है, देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया. फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की एंट्री पास कर दो. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे. सो अगेन ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है 10,000 इंटू 2 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 20,000. ठीक है, हमें अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, यही 20,000 आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000. ठीक है, सेम सेकेंड फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पहले ड्यू की एंट्री पास करो. ड्यू की एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इंटू 3 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000. देन लास्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000. ठीक है, सो ये सारी एंट्री देखो यहां पे ये ड्यू की एंट्री, ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ. यहां पे ये ड्यू की एंट्री, यहां पे अमाउंट रिसीव हुआ. ये ड्यू की एंट्री अमाउंट हमें रिसीव हो गया. ठीक है, यहां पे अमाउंट रिसीव हुआ है और इसको हमने ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल के अंदर. ठीक है, सो इतना ही डिफरेंस है और यही कहानी चलने वाली है पूरे चैप्टर्स के अंदर. सो इन एंट्रीज को एकदम मगअप कर लो, याद कर लो, पी लो, जो करना है कर लो. समझ में आ जाता तो समझ लो, नहीं तो याद कर लो. ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज है इस चैप्टर के अंदर और यही रहने वाली है पूरे साल, यही चलने वाली है. ठीक है, सो इनको अच्छे से याद रखना. अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्लियर है, हाँ या ना में रिप्लाई करो. ओके, अवतांश यस, हर्षिता यस, धामी यस, आस्था, उर्वी, जील, कुशा, भरत कुमार, कृष्णा, अंजलि, नाजिन, केतन, देवांशी, उत्सवी, कीर्तन, मैत्री, रचना, अंश, मौलिक, हीनल, उर्वा, अभिषेक, दिव्य विटलानी. चलिए और क्लियर है, बहुत अच्छी बात है. एक चलो बढ़िया है. ठीक, सो Thank you.
चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीमियम वाले पे। प्रीमियम मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया, दैट इज आवर वन टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। एक इनकम होती है, एक हम उसके सामने रिजर्व क्रिएट कर, इस तरह से कहा जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट हम इसे क्यों कहेंगे, बिकॉज हमने कुछ किया नहीं है, हम अपने शेयर्स के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाता है ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ वन टाइप ऑफ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 रुपीज पर शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम जो है किसी भी कॉल पे आपको बोला जा सकता है, ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव होगा, ये भी बोल सकते हैं आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा, ये भी बोल सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। सो प्रीमियम जो है वो किसी भी कॉल पे किसी भी अमाउंट में, वो इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव हो सकता है, मान लो यहाँ 200 मिला, यहाँ 200, यहाँ 1 रुपया, वैसे भी रिसीव हो सकता है। तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया है कि हमें जो प्रीमियम है वो किस कॉल पे रिसीव होगा, तो आपको हमेशा उसे अलॉटमेंट में ही कंसिडर करना है, ठीक है। अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज अ नोट लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट प्रीमियम इज रिसीव ऑन विच कॉल, दैट शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्रीमियम व्हेन इट इज गोइंग टू रिसीव, दैट शुड बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। सो उसको हम अलॉटमेंट में बाय डिफॉल्ट हम उसको अलॉटमेंट में मान के चलेंगे, ठीक है। सो यहां पे जब हमारी पहली जर्नल एंट्री आएगी, एट प्रीमियम, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब उसको क्या है, एट अ प्रीमियम में मैं रिसीव कर रहा हूं, या एट अ प्रीमियम पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज पर शेयर, सो ऑन एप्लीकेशन हमें पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा, सो 10,000 इंटू 3 यानी 30,000, ठीक है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 30,000, क्लियर है। मैंने एंट्रीज इसलिए नहीं मिटाई है, एक तो मैं आलसी हूं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वापस लिखूंगा तो मेरी क्लास खाली और कुछ नहीं लेंदी होती जाएगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने एंट्रीज नहीं मिटाई है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कोमल आंखों पर हो इस ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस पड़े। बहुत केयर करता हूँ यार मैं तुम लोगों की, तुम लोग हो ना, समझते नहीं हूँ। सो द सेकेंड एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सो 30,000, ठीक है, 30,000। सो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब सेकेंड कॉल पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अलॉटमेंट प्रीमियम का कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, सो यहाँ प्रीमियम को प्लस कर दो। सो जब आप ड्यू की एंट्री पास करोगे ना, जब आप ड्यू की एंट्री पास करोगे उस टाइम पे आपको प्रीमियम की एंट्री भी पास करनी है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना एंट्री पास करोगे, 10,000 इंटू 6 यानी 60,000, और हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हो रहा है। सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 5, सो ये आ जाएगा आपका 50,000, सो 1,10,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही कॉल किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 1 रुपीज, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा 10,000 इंटू 1, दैट इज 10,000 एंड 10,000, और जब हमें रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्लियर। पहली एंट्री अमाउंट रिसीव की कितना है, 3 रुपीज पर शेयर, सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 3,
30,000, ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000, ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल उसको करिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, देन हम लोगों को जो अलॉटमेंट की एंट्री है वो प्रीमियम के ऊपर पास ऑन करना है। ठीक है, तो हम जब सेकेंड एंट्री ड्यू की पास करेंगे उस टाइम पे ही आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ही मेंशन करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, क्योंकि 6 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है, और जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि प्रीमियम के बारे में हमें मेंशन ना किया हो तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना 50,000 एंड देन बैंक अकाउंट देन फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल। क्लियर? श्योर, क्लियर का मैसेज पहले ही आ गया। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज, छोटा सा एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी बोला जाएगा कि अकाउंट को, या कहा जाए कि जो शेयर कैपिटल आपने इशू किया है, जो शेयर कैपिटल आपने इशू किया है उसको बैलेंस शीट में शो करो। ठीक है, उसको किस में शो करना है? बैलेंस शीट के अंदर। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए, मैं स्टार्टिंग से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस होने के बाद जब हम कराते हैं बच्चों को तो दे फेस द प्रॉब्लम कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उनको कहीं ना कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए मैं इसको स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ ताकि आपका जो बैलेंस शीट वाला प्रैक्टिस है वो होता रहे, और एग्जाम में बैलेंस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, दे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, दे विल आस्क यू फॉर 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स, दे विल जस्ट आस्क यू टू शो द शेयर इशू ऑफ शेयर्स इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आपको शो करने के लिए बोला, पेज नंबर 8.15 पे आ जाओ, जो आपके बुक में है न्यू बुक के हिसाब से, जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है उसके ठीक पीछे डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यही बना आगे सभी। ठीक है, सो बैलेंस शीट के अंदर आपको हमेशा बैलेंस शीट पूरा बनाने के लिए नहीं है, बुक इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है, बाहर बुक मैं भेज देता हूँ, बुक फोटो मैं खींच देता हूँ, ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ उस पेज की, सो जिसके पास नहीं है वो उसमें से भी रिफर कर सकते हैं। चलो भेज दिया, हाँ भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ, कोठारी ग्रुप में डाल, हाँ ग्रुप में डाल।
चलो, आपको पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगी, आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आपको, देखो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पोर्शन ही शो करना है, ठीक है। सो हमारा जो रहता है पर्टिकुलर, ठीक है, पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे आपको नोट्स टू अकाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है, नोट्स एंड अमाउंट, ठीक है। पास्ट ईयर या प्रेजेंट ईयर नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक ही साल का दिया होता है, हमें ये मान के चलते कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें एक ही साल का बनाना रहता है। सो उसके अंदर आपको जो शो करना होता है, हे भगवान क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इक्विटीज लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड जो करके आता है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, उसके अंदर शेयर कैपिटल, ठीक है भाई, एग्जाम में इतना मिनिमम करके आना, ठीक है, रिक्वेस्ट है, इतना मिनिमम लिख के आना, इसके भी आधे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं तो आधे मार्क्स भी बुरे नहीं है जिसको अगर भूल जाओ तो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमेशा लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। कभी भी बैलेंस शीट पूरा मत लिखना क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट शोइंग द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, सर्टेन पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया, इतना याद रखो अभी फिलहाल के लिए। और देन उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में भी फॉर्मेट कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। यहां आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पेज नंबर 8.16 पे दिया हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल हमने कल पढ़ा भी था, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, वो तीन चार चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव अ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 30,000। सो नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप देखो तो आपको जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें आपको क्या मेंशन किया हुआ है, शेयर कैपिटल, ठीक है। हमारा यहाँ पे नोट जो आता है, यहाँ पे फर्स्ट नोट आता है और उसको हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर, ठीक है, जो तुम व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, ये वही शेयर है, ठीक है। सो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर, देखो शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, तो ऑथोराइज कैपिटल आपको मेंशन करना है, सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। क्या है, तो भाई हमारे पास 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितने की बनी, 3,00,000 रुपये, ठीक है। पार्ट ए वाला ही हिस्सा ले रहा हूँ, पार्ट बी उसके बाद करेंगे, ठीक है। 3,00,000 रुपये की हमारी ऑथोराइज कैपिटल बनी। दूसरी चीज, क्वेश्चन के अंदर अगर ऑथोराइज कैपिटल ना दिया हो तो ढूंढने मत बैठना, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे साथ बहस हो गई थी एक बच्चे की, तो वो बोला सर आपने ऑथोराइज कैपिटल नहीं दी, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ इन द क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन द ऑथोराइज कैपिटल, यू जस्ट राइट ऑथोराइज कैपिटल, लीव दैट लाइन, यहाँ पे प्यारी सी दो लाइनें खींच दो। व्हाई, बिकॉज ऑथोराइज कैपिटल का बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट
एनी अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। देन उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, देन उसके बाद क्या आता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितना है, ठीक है, ये ऑथराइज कैपिटल हो गया, देन यू हैव टू राइट इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल कितना है भाई, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना है 1 लाख। यहां पर भी 2 लाइन खींच के छोड़ दो, ठीक है। जो अब वाला पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है। हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे सारे शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप है, या आपका फोकस कैसे हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, बीएसएनएल नहीं है, हर बार तुम लोग यार बीएसएनएल को बदनाम मत किया करो, अभी बीएसएनएल बढ़िया चल रहा है, एयरटेल खराब चल रहा है। अब तो लाइव क्लास में बोल रहा हूँ, एयरटेल खराब चल रहा है, इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है यार। वहां लड़का बेचारा हमारा परेशान हो रहा है, बोले आउट ऑफ फोकस जा रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए, हाउ मच शेयर्स आर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सो 10,000 शेयर्स इशू किए, फुली सब्सक्राइब्ड है, हम ये मान के चल रहे हैं भैया 720p रेजोल्यूशन में ही है। और ये देखो आजकल के बच्चे मुझे ये सिखा रहे 720p रेजोल्यूशन में रखो, 144 रख दूंगा तो इनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बेटा तेरे फोन यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके उसको 360p रेजोल्यूशन कर दे, तेरे को बोर्ड पूरा क्लियर दिखाई देगा, वो 144p रेजोल्यूशन पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 360 मिनिमम कर दे, बिकॉज मोबाइल के लिए जो रेजोल्यूशन चाहिए 360p की चाहिए, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो 480p रेजोल्यूशन इज सफिशियंट, और तेरे बैटरी भी कम जाएगा, डेटा भी कम जाएगा। चलो सो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये आपके बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर बैलेंस शीट, सो इसी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, हमारे शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स वी हैव इशूड, 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं एंड उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, और दे ऑल आर पेड अप, ठीक है। पूरे के पूरे पैसे हमें रिसीव हो गए थे। सो यहां पे भी यही वाली लाइन चिपका दो, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड ऑल सब्सक्राइब, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख। चलो 1 लाख डाल दिया हमने, ठीक है। वो बाकी के जो पूछना मत कि सर बाकी की जो चीजें दी है उसका क्या करना है, वो बाद में, अभी फिलहाल इतना ही। सो शेयर कैपिटल में आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख। आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो में रिप्लाई करो। यहाँ मैं बीएसएनएल में ना लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन में देख रहा हूँ, क्या क्लियरिटी, मेरे को अपने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तू बोल रहा है खराब चल रहा है, भी बढ़िया आ रहा है। यस यस देख, 360p रेजोल्यूशन रख, यूट्यूब में जो रेजोल्यूशन की सेटिंग होती है उसमें 360p करेगा, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनेट खराब चल रहा होगा, जियो चल रहा है ना तेरा, तो ठीक है, ज्यादा आता अच्छा नहीं चल, सब परेशान। चल सो क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पॉइंट में, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, प्रीमियम का है। सो प्रीमियम जो है वो सेकेंड पार्ट है आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे हम रिजर्व एंड सरप्लस लिख देते हैं,
reserve and surplus, and this is your account number 2. So यहाँ पे 2 डाल के सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हो. यू रिसीव 50,000, ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम यू रिसीव 50,000, ठीक है. सो 50,000 जो भी आपका रिसीव हुआ है. सेकंड पार्ट में सारी चीजें सेम ही रहेगी, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि सारे शेयर्स फुली पेड अप है. कॉल मनी हमें मेंशन नहीं करना है. सो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रिसीव हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम. नोट नंबर यहाँ पर ठीक है. सो नोट नंबर यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 50,000 आपको लिख देना है. अगर आप लिखना चाहो तो कौन सा अमाउंट रिसीव हो रिसीव हो तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो 50,000 ठीक है. बुक के अंदर आपको एसेट साइड का भी बैलेंस कई बार बनाने के लिए दिया होगा. सो आप वहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. वहाँ पे भी आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, दैट विल बी फाइन ऑल्सो. सो वो यहाँ पे सो सब क्लियर है, क्लियर यस और नो. चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है. 15 मिनट के बाद BST की क्लास में मिलते हैं. 9:25 हो या 9:40 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. चलिए सर, थैंक यू फॉर टुडेज थैंक यू टू अटेंडिंग माय लेक्चर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड. हाँ आज 26 वॉचिंग थे यार, मतलब गजब है. और देखो आज किसी ने डिसलाइक भी नहीं किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर दिस. वरना एक तो बेचारा खुन्नस निकाल ही लेता था, बोला आज सर ने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाया है, आज डिसलाइक नहीं कर. थैंक यू. चलो 15 मिनट के बाद मिलते हैं. Hmm?